तो दोस्तों यहाँ पे हम आज बात करेंगे पेटीएम पोस्टपेड, जो पेटीएम पोस्टपेड का आपको बैलेंस मिला है, जो भी पेटीएम पोस्टपेड आपको लिमिट मिला है, उसको आप कैसे जेन्युइन तरीके से कैसे उस पेटीएम पोस्टपेड के मनी को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इजीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी मतलब फेक ऐप्स से नहीं, एकदम जो जेन्युइन है, जो पेटीएम बोलता है वैसे आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसी पे हम पूरा वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले आप पेटीएम में आ जाएंगे दोस्तों। तो पेटीएम में आने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन दिख रहा है, पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर देखिए। इसको पेटीएम पोस्टपेड को जब मैं अपना क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर शो कर देगा कि मुझे कितना लिमिट मिला है और मैं कितना यूज़ किया हूँ और कैसे इसको बैंक में ट्रांसफ़र करना है, पूरा दोस्तों यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए। देखिए मुझे यहाँ 16,000 का लिमिट मिला है दोस्तों, यहाँ पे मुझे 16,000 का लिमिट मिला है और मुझे मेरे पास बचा है 15,600 कुछ रुपये बचा है। मैं 341 रुपये का शॉपिंग कर चुका हूँ, तो मुझे इतना मतलब 15,000 कुछ रुपये का जो मैं अपना है वो अपना अकाउंट में दे सकता हूँ। और ठीक है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हैं। तो चलिए कैसे ट्रांसफ़र करना है बैंक में इसको सीधा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है रेंट फॉर पोस्टपेड, रेंट फॉर पोस्टपेड एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिचार्ज एंड बिल पेमेंट के ऑप्शन में, रेंट ऑफ पेमेंट यहाँ पे जब उसको क्लिक करेंगे रेंट ऑफ पोस्टपेड को, तो यहाँ पे देखिए पहले से मैं बैंक अकाउंट ऐड करके रखा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे देखिए ऊपर में दिख रहा है ऐड ए न्यू रिसिप्ट, यहाँ पे आप ऐड ए न्यू रिसिप्ट कर सकते हैं। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक UPI डायरेक्ट डाल के आप प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट वाला चलिए बता देता हूँ। बैंक अकाउंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो कोई भी बैंक होगा आपका, यहाँ पर अपना कोई भी बैंक आपका होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। तो मेरा एक्सिस बैंक है यहाँ पर, मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ और बैंक का अकाउंट नंबर डाल दूंगा, IFSC कोड डालूंगा, अकाउंट होल्डर का नाम डाल दूंगा और यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो मैं ये बैंक पहले से ऐड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से पीछे बैक हो जाता हूँ दोस्तों और आपको बताता हूँ डायरेक्ट, मैं यहाँ से बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ पहले से बैंक, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पे करता हूँ और पे करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे 3,000 रुपये निकाल के बैंक में डाल के बताता हूँ आपको और यहाँ पे 3,000 डाल के प्रोसेस टू पे करता हूँ। तो देखिए दोस्तों प्रोसेस टू पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पे थ्री, उसके लिए आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1,000 पे 10 रुपये देना पड़ता है और 3,000 पे 30 रुपये आपको एक्स्ट्रा नेक्स्ट मंथ में पे करना पड़ेगा 7 तारीख को। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है 3,030 रुपये नेक्स्ट महीने मुझे पे करना पड़ेगा और ये डायरेक्ट बैंक में चला जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप पेटीएम पोस्टपेड को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।